वेलकम टू माय चैनल कबूतर जिंद जान में आपका स्वागत है। ऊपर वाले के रहमो करम से और आपकी दुआओं के साथ आपकी खिदमत में इमरान खान। दोस्तों, अभी तक जो हम पर पटाई के बारे में आपको जानकारी दे रहे थे, तो मुद्दा ये है कि हमने पार्ट 7 में आपको एक वीडियो शो की थी कि पर पटाई का तरीका क्या है, क्या सही है क्या गलत है। तो उसमें एक वीडियो क्लिप हमने शो की थी, ठीक है। तो उस वीडियो क्लिप के ऊपर एक भाई ने कमेंट किया था कि इमरान भाई, अभी आपको ये नहीं मालूम कि हमारे यहाँ 400-500 कबूतरों के पर उखाड़े जाते हैं और उस्ताद के पास इतना टाइम नहीं होता कि इतने कबूतरों के पर वो आराम आराम से उखाड़े। या कहने का मतलब ये कि वो बार बार आके पर नहीं उखाड़ सकता उस्ताद, ठीक है। और भी बहुत कुछ उसने ऐसी ऐसी बातें लिखी थी कमेंट में, वो कमेंट उसी वीडियो के नीचे है, शायद आप वहाँ पढ़ सकते हो उसमें जा करके कि उस्ताद हैं वे, उन्हें नॉलेज है कि हाँ हमें पर कैसे उखाड़ने कैसे नहीं। कहने का मतलब वो हमारी बात को गलत साबित कर रहा था कि इमरान भाई आपको नहीं मालूम कि पर कैसे उखाड़े जाते हैं। तो अब एक वीडियो मेरे व्हाट्सअप पर आई थी, अभी आई, तो वो वीडियो हमने देखी, ठीक है। हमने सोचा अगर मैं यहाँ वहाँ की अगर उस्ताद की किसी की वीडियो दिखाता या किसी के मुँह से कहलवाता वो बात कि जी पर उखाड़ने का सही तरीका क्या है, तो वो शायद फिर कमेंट करता कि ये तो तुमने कह के बनवा ली किसी से, ठीक है। मगर ये जो वीडियो अब व्हाट्सअप पे, यूट्यूब पे और फेसबुक पे हर जगह ये वीडियो घूम रही है, तो ये वीडियो दोस्तों इंडिया की नहीं है, ना ही पड़ोस के मुल्क की है, ये जहाँ की है आपको पता चल जाएगा जहाँ की भी वीडियो है। क्या ये उस्ताद नहीं है जो पर उखाड़ रहे हैं? और वो भाई भी ध्यान से सुन ले जिसने कमेंट किया था कि तू 200-400 कबूतर की बात कर रहा है, इनके कबूतरों की गिनती कर, ठीक है, इनके परों की गिनती कर, कितने पर पड़े हैं ये, ठीक है। तो पहले आप ये वीडियो की क्लिप देखे। सलाम खिदमत आमी इश्वाजा, एम्रो 29 है اسفند 97، اومدم بچه ها زحمت میشن دفترها رو چپ میکنن، سال نورم پیشا پیش خدمت همه اشواقا تبریک میگیم، انشالله سال پربار و پربرکتی داشته باشه. تو دوستو اس کلپ میں جو آپ نے دیکھا جو طریقہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہاں پر बाजू पकड़नी है, वो बाजू पकड़ने का हिसाब इस वीडियो में देखें। तो दोस्तों इस क्लिप में आपने जो देखा वीडियो में कि जो जो भी उस्ताद इस वीडियो में बैठे हैं, ठीक है, पहले तो वो बंदा ध्यान से सुन ले, 2-4 कबूतरों की बात करने वाले ध्यान से देख कबूतर कितने हैं वहाँ पर, ठीक है। आपके उस्ताद के पास शायद आपके उस्ताद ही थे जो आपको ये बात बुरी लगी कि हाँ उस्ताद हमारे सही हैं, वो सही तरीके से उखाड़ते हैं। क्या ये उस्ताद नहीं है? या ये उस्तादों ने जो अपने साथ में बिठा रखे हैं, क्या इनके ये शागिर्द हैं या ये भी कोई खलीफा है या ये भी वहीं के उस्ताद होंगे अच्छे? इनके पर उखाड़ने का तरीका तो नोट करो, जो तरीका हमने बताया, कितने प्यार से इन्होंने बाजू पकड़ी है और एक एक पर पकड़ के निकाल रहे हैं, ठीक है। और ध्यान से देखना, पूंछ नहीं निकाल रहे हैं। नोट करना इस बात को दोस्तों, जो भी हम आपको बात बताते हैं वही बात लाते हैं जो 100% बिल्कुल सही होती है, नहीं तो रोज़ की मैं 50 वीडियो बना के डाल दूं। जैसे कि एक भाई ने कमेंट किया था कि इमरान भाई आप एक ही टी शर्ट में वीडियो बनाते हो, 4-4, 5-5, आप क्या कपड़े नहीं बदलते हैं, रोज़ एक ही कपड़े पहनते हो, इस तरह का कमेंट किया था बेवकूफ़ ने, उस इंसान ने, ठीक है। तो उसी की इस बात पर जो है हमने एक दिन में 24 वीडियो अपलोड करके दिखाई थी, क्योंकि जब हमारे पास टाइम होता है, ठीक है, हम बैठते हैं और जितने कमेंट होते हैं, जितनी बातें होती हैं, जितनी नॉलेज होती है, हम एक बार में बना करके रख देते हैं, हमें किसी की सलाह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती अब इतनी, क्योंकि ऊपर वाले की तरफ से ज्ञान इतना हो गया कि फ़ोन पे ही बहुत से हमें बधाई देते हैं कि आप अच्छा काम कर रहे हो, फिर वो प्लस अपनी नॉलेज, अपना ज्ञान हमारे साथ शेयर करते हैं, हमारी एक कड़ी और जुड़ जाती है, चैन और लंबी हो गई नॉलेज की। तो चैन ये दिन ब दिन लंबी होती जा रही, क्यों? क्योंकि हमने अपने ज्ञान को शेयर किया, बांटा लोगों के साथ, हर बात वो नॉलेज रखी जो हमें दूसरों से पता चली, और वे लोग हमारे साथ नॉलेज शेयर कर रहे, तो हमारा ज्ञान और बढ़ रहा है। पहले जब वीडियो डालनी शुरू की थी मैं 10% भी नहीं था इतना,
और अब भी हम अपने आप को 10% मान के चलेंगे, क्योंकि अभी यार दुनिया में बहुत ज्ञान पड़ा है मिलने को। तो प्लीज कमेंट करने से पहले ना सोच लिया करो, देख लिया करो, हाँ ये गलत है या सही है। तो आपके इस कमेंट का जवाब ना वहां लोग बाग दे रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं आपके उस्ताद को। वहां वो कमेंट पढ़ो, आपके उस्ताद को क्या इज्जत मिल रही है। और ये जो उस्ताद जो पर उखाड़ रहे हैं, इन उस्ताद को इमरान भाई का सलाम। काफी इज्जत के साथ और बड़े प्यार के साथ ये कबूतरों के साथ बर्ताव कर रहे हैं कि हाँ पर आराम आराम से उखाड़े जा रहे हैं, सलीके से उखाड़े जा रहे हैं एक एक करके। क्या वो पहली कली से है या दसवीं कली से उखाड़ रहे हैं, बड़े सलीके से पर उखाड़े जा रहे हैं। और एक नहीं बैठा दोस्तों, ध्यान से देखो कितने बैठे हैं, ठीक है। उस क्लिप में तो उस्ताद ने ये पीछे से कोई कर रहा हो चुप, मतलब बोलने भी नहीं दे रहा उस्ताद, इतना घमंडी था वो, बोलने भी नहीं दे रहा, उसको पीछे कर दिया कि चुप, अकेला उखाड़ेगा, दूसरे को नहीं उखाड़ने देगा। क्यों? उस्तादों के अंदर यही चिंदी चोरी होती है कि जो ज्ञान मेरे अंदर है बस मेरे पास रहे, मैं ही वो काम को करूँ, तू मत करना, मैं करूँगा वो काम। तो दोस्तों ऐसे उस्तादों का बायकॉट कर दो बिल्कुल भी, जो शागिर्दों को हाथ लगवाना पसंद नहीं करते कि हाँ चल तू मेरे साथ बैठ के कुछ हेल्प कर, तू भी कुछ सीखेगा, तेरे को भी कोई ज्ञान मिलेगा, नहीं उसको सैड कर दे, कहते ले मैं ही नुस्खा तैयार करूँगा, तू पीछे हो जा, मैं ही तैयार करूँगा, इसको कितनी बार रगड़ना है, कितनी चीज़ डालनी है, शागिर्दों को पीछे कर देते हैं। शागिर्दों पीछे ना रहो, ऐसे उस्तादों को पीछे कर दो आप, तब जाके आप कुछ सीखोगे। उस्ताद वो जो इस वीडियो में क्लिप में दिखाया मैंने कि साथ में बैठ के पर उखड़वा रहे हैं, ये एक तरह का ज्ञान ही होता है कि हाँ बेटा ये तरीका तेरा सही है। हर कोई बैठ के पर नहीं उखाड़ सकता, हर कोई सही पर नहीं उखाड़ सकता, उसको क्या पता मैंने कौन सा पर सही तरीके से उखाड़ना है। तो यूं ही नहीं हम कोई वीडियो बना दिया करते हैं दोस्तों, हर बात को बारीकी से सोचा करो कि हाँ यार ये बात वाकई में सच है और ये काम बिल्कुल गलत है। सही उस्ताद सुनो, सही उस्ताद चुनोगे तभी कुछ सीखोगे, नहीं तो चल रही गाड़ी सबकी चलती रहेगी और आपका भाई इमरान नॉलेज आपको देता रहेगा, जब तक है ज्ञान बांटते रहेंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो ये क्लिप दिखाना, उसको थोड़ा बहुत कमेंट में बताना दोस्तों कि हाँ ये तरीका सही था ना, ठीक है दोस्तों। तो ये वीडियो कैसे लगी ज़रूर कमेंट में बताना।